नहीं नहीं लोग बोल रहे थे, लोग बोल रहे थे। आप गुस्सा क्यों, आप भागी क्यों, देखिए आपको कोई क्यों नहीं भगाएंगे, उनका पास नहीं भगाया आपसे, तो मीडिया पर आप लोग मीडिया दे रही है अपना पागल है क्या? कैसे पागल? पागल है कैसे बताइए? ऐसा कौन होता है शादी नहीं करेंगे? शादी करेंगे, मैं भी अपना शादी करूंगा, सब करेंगे। इस तरीके से नहीं, अकल नहीं तो मैं आइए मिल गया, मैं वीडियो बना, अकल नहीं है आपके पास। चीख चीख बोल रही थी कि मेरे प्रेमी को मार दिया गया है, क्या हो गई है, और फिर 5 महीने करके उसकी गम को भुलाकर शादी कर लिया आपने, तो क्या समझे? ये गम को नहीं भुला है, तो क्या ये, तो क्या ये माल सवाल कौन करेंगे? आपका गुलाम है पत्रकार, गुलाम है। क्या आरती छोटू लव चैनल का नाम भी बदलने? देखिए देखिए किस तरीके से, किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। अरे एक आदमी सवाल करो ना यार, अरे यार पीछे काट खेल रहे हो, हम बनाइए ना हो ठीक से स्थिर से सवाल पूछ रहे हैं, बीच में हल्ला गुल्ला मत कीजिएगा। अरे काहे खेल रहे हैं यार, इनका पीछे रखिए, भाई साहब किनका है पीछे रखिए। आपसे आग्रह है, लगातार आपसे कहा जाता है कि आप थोड़ा बोल्ड आवाज में बोलिए, क्योंकि हल्ला गुल्ला हो रहा, आवाज नहीं आएगा, और जब भी आप बोलेगा बोल्ड आवाज में बोलेगा, बीच में कोई आदमी नहीं बोलिएगा। बोलिए ना, चलिए चलिए चलिए, रेडी रेडी, मोबाइल को पीछे कीजिए, रेडी है आरती जी। अरे यार आरती जी, सबसे पहले आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आपने वादा किया था, कई वीडियो में आपने ये कही थी कि शादी हम नहीं करेंगे, विधवा रह के ही अपने जीवन को बिताएंगे, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आरती ने शादी कर ली? देखिए हम तो सब दिन बोलते आ रहे हैं, मतलब वो तो बोले थे उस वक्त कैसी हालात थी कि आप लोग देख ही रहते कैसी हालात थी उस वक्त, शादी भैया आपका फोन बहुत ज्यादा आगे आ रहा है, तभी तो अब क्या बता सकते हैं। क्या फिर कब आगे भी हालात बदलने वाली है? कैसे आगे हालात बदलने? ये भी कहा जा रहा है कि समाज के लोग बोल रहे हैं कि कुंवारी लड़की को घर में नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपने शादी किया था, क्या ये बात सही है? ये भी तो बात सही है। आपने बोला कि हालात के हिसाब से बोलना चाहिए, सुने आपने बोला कि हालात के हिसाब से हमने कदम उठाया है, आपके स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर हुई, मजिस्ट्रेट के सामने हुए 164 के बयान में, क्या उस बयान को भी जो अदालत है ये मान ले कि आपके हालात मानसिक हालत सही नहीं थी तब आपने दिया था स्टेटमेंट? वो तो देखिए उस वक्त एनी टाइम ऐसा थोड़े होता है कि एनी टाइम स्थिति ठीक ही रहता वैसे ही रहता है, मिनट में पल में क्या होता है कौन जानता है। ऐसा क्या हो गया आपके साथ में जो 5 महीने के अंदर आपने शादी कर ली, जबकि आपने बोला था कि हम जिंदगी भर आरती हमेशा अपना डिसीजन लेती है, बोल्ड डिसीजन लेती है, और अभी आज ही के दिन बोला था कि हमने जो लिया है फैसला अपने खुद के बदत लिया है फैसला, तो आपके साथ ऐसा क्या हो गया जो आपको बहुत जल्द फैसला लेना पड़ गया? बहुत जल्द समाज बोले ऐसे कि इस तरह का नहीं रहना चाहिए, करवाइए, तो इस तरह का हुआ। शादी से कितना रुक सकते थे ना, कैसे रुक सकते जब समाज बोल रहा है तो उसमें हम कैसे रुक सकते? तो यही 5 महीने पहले यही माना जाए ना, मोटा 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 मोटी यही माना जाए ना, समाज के डर से आप समाज के दबाव में आप शादी नहीं न किए हैं। अब देखिए सबका विचार होता है, सहमत होता है, तभी तो कुछ होता है, सहमत है ना, समाज में वही चीज है। सामने 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 क्या छोटू की, एक सेकंड, आपकी शादी छोटू से तय होने वाली थी, हालांकि अब छोटू इस दुनिया में नहीं है, क्या शादी के वक्त छोटू की याद भी आई थी आपकी? अब ये सब बात देखिए ये पूछने के लायक है, ये सब जो बात जब आप लोग को हम बार बार इतना रिक्वेस्ट कर चुके हैं, जीते हुए बात को मत लाइए, मत लाइए। देखिए एक पत्रकार को सवाल करने से आप तो क्या ये मान लिया जाए? हम रोक नहीं रहे भैया, हाँ यही चीज बोल रहे, आप जब 5 महीने पहले रो रो कर बोल रही थी, चीख चीख कर बोल रही थी कि मेरे प्रेमी को मार दिया गया है, क्या हो गई है,
और फिर 5 महीने के अंदर उसकी गम को भुलाकर शादी कर लिया आपने, इसको क्या समझोगे? ये गम तो नहीं भुलाया है, समाज से पूछ लीजिए, चेहरे कर जाइए और धीरे पर कर जाइए। तो क्या ये, तो क्या ये माल सवाल क्यों नहीं करेंगे? आपके गुलाम है पत्रकार, गुलाम है। क्या आरती छोटू लव चैनल का नाम भी बदल ले? देखे देखे किस तरीके से, किस तरीके से सवाल का जवाब, सवाल का जवाब नहीं दिया। और यहाँ अफरा तफरी मचा हुआ है मैक को लेकर। देखिए ये मैक है और यहाँ भाग गई है आरती से, सब पत्रकार दिखाई दे भारती कुमारी काफी तगड़ा विवाद हो गया है यहाँ पर। और देखिए हमने इंसाफ बताने के लिए अरे भैया वीडियो बनाइए ना खाली, उससे खोल दीजिएगा। नहीं लोग बोल रहे थे, लोग बोल रहे थे। आप गुस्सा क्यों? आप भागे क्यों? क्योंकि आपको कोई क्यों नहीं भगाएंगे? उनके पास देखिए पत्रकारों को मारा गया है। देखिए ऐसा नहीं है, हम सच्चाई दिखाएंगे।